बार को कहते हैं। सबसे पहले अध्ययन किसने किया? ओपोटोन ग्योरिक ने कब किया? इसके मापने का यंत्र कौन सा है? बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? टेरिसोली ने कब किया? 1643 ईस्वी के अंदर किया। ऊंचाई में जाने पर 10 मीटर की ऊंचाई पर मिलीबार किसकी इकाई है? वायुदाब के मापन की दूसरी इकाई क्या है? पास्कल। ने क्या बताया था सबसे पहले? ऊंचाई में जाने पर और लगभग कितने मीटर की ऊंचाई पर? 5000 मीटर, और किलोमीटर पूछे तो 5, और 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर आधा वायुदाब रह जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा वायुदाब साइबेरिया के इरकुटस्क और सबसे कम मेरियाना। पृथ्वी का औसत वायुदाब कितना है? 1013.25 मिलीबार है, ठीक है। तो पृथ्वी का औसत वायुदाब कितना है? 1013.25 मिलीबार है। ऊंचाई में जाने पर दोनों में संबंध कैसा हो जाता है? और गहराई में जाने पर भी? ऊंचाई में जाने पर प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान है, 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान है कितना? 1 डिग्री सेल्सियस से घटता है। ये बात समझ में आई? बैरोमीटर में जब पारा बढ़ता है धरातल पर तो उसी समय तापमापी में पारा, लेकिन ऊंचाई में जाने पर बराबर हो जाता है। यानी कि अगर उसमें घट रहा है तो उसमें भी घटेगा, और उसमें बढ़ रहा है तो उसमें भी बढ़ता है। यहां तक हमारी बात हो गई थी। देखिए दोस्तों, ये हमने कहा कि कोई पर्वत है, ठीक है। पर्वत की ऊंचाई पर इसका आयतन कम हो जाता है, और ऊंचाई में होने के कारण से आप बताएं यहां पर जो वायु दाब लगेगा और इस पठार पर जो वायु दाब लगेगा, दोनों में से ज्यादा किस पर लगेगा? पठार पर। क्यों? क्योंकि पर्वत इससे क्या होते हैं? अधिक ऊंचे। और हम जानते हैं कि ऊंचाई में जाने पर वायु दाब कम होता है। अब की बार साहब, आपके ये पठार है और ये मैदान है दोस्तों, ठीक है। अब पठार पर वायुदाब ज्यादा लगेगा या मैदान पर ज्यादा लगेगा? तो अधिक वायुदाब होगा किस पर? मैदान पर। किस पर होगा? लेकिन अब की बार आपके ये सपाट सतह है बिल्कुल समुद्र की, तो अब बताओ सबसे ज्यादा, ये थोड़ा सा इससे गहरा होता है, तो सबसे ज्यादा वायुदाब किस पर लगेगा? समुद्र तल पर। एक मैदान है और मैदान के ऊपर ये वनस्पति का आवरण है। वनस्पति का आवरण होगा तो यहां पर आपको देखने को मिलेगी शीतलता। क्या देखने को मिलेगी? यानी इस स्थान पर तापमान क्या देखने को मिलेगा? कम। तापमान कम देखने को मिलेगा तो वायुदाब ऑटोमेटिक क्या लगेगा? ज्यादा। तो अब बताओ इन पौधों पर ज्यादा लगेगा या मैदान में ज्यादा लगेगा? पौधों पर ज्यादा लगेगा। क्यों? तापमान की कमी के कारण से। अब इनमें से निम्न में से सर्वाधिक वायुदाब कहां होता है? समुद्र तल पर। यह आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड के दो बार प्रश्न में पूछा जा चुका है। एक बार में पेड़ पौधे थे आंसर, एक बार में समुद्र तल था। किसी भी रूप में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। जो भी ऊंचा भाग होगा सदैव वहां वायुदाब क्या देखने को मिलेगा? हमको कम वायुदाब देखने को मिलता है। और तापमान और वायुदाब में कैसा संबंध है? विपरीत संबंध पाया जाता है। देखिए सर, अब बात आती है कल के आगे की, बात करते हैं अपन। वायु दाब के प्रकार, टाइप्स ऑफ एयर प्रेशर। वायुदाब दो प्रकार का ही होता है। एक वायुदाब होता है आप लोगों के उच्च वायुदाब,
और एक वायुदाब होता है आपके निम्न वायुदाब, ठीक है। सबसे पहले उच्च वायुदाब को देखते हैं अपन। यह हमने कहा कि कोई एक क्षेत्र ले लिया हमने, और इस क्षेत्र में यह है आपके केंद्र और यह है आप लोगों के परिधि, ठीक है। यहां जब हम कह रहे हैं कि केंद्र के अंदर और इस केंद्र के अंदर 1040 मिलीबार वायुदाब है, यहां से जैसे जैसे हम इस परिधि की ओर बढ़ते हैं तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये अगली जो हमारी लाइन है ये है 1036 मिलीबार की। इसके बाद में हमने कहा ये है, तो ये जो क्षेत्र बना ये आपके 1032 मिलीबार का, इसी प्रकार ये आपके क्षेत्र बना और इसको हमने कहा 1028 मिलीबार का, चार का अंतर ले रहे हैं अपन। ये क्षेत्र बना और ये क्षेत्र बना आपके 1024 मिलीबार का, और आगे बढ़ते जाओ तो और भी आगे बढ़ सकते हैं अपन, लेकिन अब समझ में आ गया कि चार का अंतर हम ले रहे हैं। यहां केंद्र के अंदर क्या है आप लोगों के, हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर यानी अधिक वायुदाब है, तो इसको हम प्रदर्शित करते हैं किससे, एच से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन यहां परिधि पर आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, निम्न वायुदाब दिखाई दे रहा है, तो इसको प्रदर्शित करते हैं एल से। किससे प्रदर्शित करते हैं, एल से। यहां हाई है, यहां लो है, और यहां पर एक कटक बन गया ये, तो यहां पर हमने कहा कि ये उच्च वायुदाब का कटक है। कटक का मतलब उभरा हुआ भाग होता है, और इस कटक को कहा जाता है वेज। तो उच्च वायुदाब कटक को किस नाम से जाना जाता है, साहब वेज के नाम से जाना जाता है। अब इसमें आप लोगों के ये जो लाइन दिख रही है, ये कौन सी लाइन दिख रही है आपको, कल पढ़ाया था मैंने आपको, समदाब रेखाएं। कौन सी हैं, जरा समदाब रेखाओं को ऊपर गौर करो, तो ये आपके केंद्र की तरफ इस प्रकार से है, यानी कि ऐसे होती तो ये खुली होती, और इस प्रकार से हैं तो ये क्या है आपके, बंद हैं। तो हम कह सकते हैं कि उच्च वायुदाब के क्षेत्र में जो समदाब रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, बंद रेखाएं होती हैं। कैसी होती हैं, बंद रेखाएं होती हैं। अगली बात, पौने नियम की बात है कि हमेशा हाई प्रेशर से कैसे चलेंगी, यानी कि यहां पौने चलेंगी केंद्र से, तो पौने हमेशा उच्च वायुदाब में केंद्र से किधर की ओर चलेंगी, और जब भी केंद्र से परिधि की ओर पौने चलती हैं तो उसको कहा जाता है प्रतिचक्रवात। क्या कहते हैं उसको, तो प्रतिचक्रवात में हमेशा केंद्र में आप लोगों को क्या दिखाई देगा, हाई प्रेशर दिखाई देगा, ठीक है। जब ये आपके प्रतिचक्रवात है तो यहां पर पवन कभी आएगी ही नहीं, यहां से पवन हमेशा क्या होगी, जब पवन नहीं आएगी तो इस क्षेत्र में मौसम का प्रभाव पड़ेगा क्या, लेकिन इस स्थान पर तो मौसम का प्रभाव पड़ेगा, तो इसलिए हमेशा उच्च वायुदाब के क्षेत्र को और प्रति चक्रवात के क्षेत्र को मौसम रहित घटना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहां पर पवने आगमन नहीं करती, यहां से पवने गमन करती हैं, तो इसको प्रति चक्रवात के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, किसको, उच्च वायुदाब को। क्लियर। दूसरी बात फिर से देखना है, वायुदाब कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है उच्च वायुदाब के केंद्र में हमेशा हाई प्रेशर होता है, और परिधि पर हमेशा समदाब रेखाएं इसमें और पौने केंद्र से परिधि की ओर प्रवाहित होती हैं, और उच्च वायुदाब का क्या कहते हैं इसको,
और इस कटक को ही किस नाम से जाना जाता है, वेज के नाम से। और उच्च वायुदाब हमेशा कैसे होते हैं और प्रति चक्रवात होने के कारण ये क्या होते हैं, मौसम रहित घटना के प्रतीक होते हैं। आपने देखा होगा कि कभी भी जिस स्थान पर हाई प्रेशर बनता है, जहां से पवन चलती है, वहां पर कभी भी आप लोगों के वर्षा नहीं होती है, मौसम परिवर्तित नहीं होता है। कैसे वो देखिएगा, जैसे आपने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का नाम सुना होगा, यहां पर यह पड़ता है पेरू का तट, और इस पेरू के तट पर मान लो जैसे ये चल रही है एक ठंडे जल की धारा चल रही है, इस ठंडे जल की धारा का नाम है पेरू की धारा, या इसे ही कहा जाता है हम्बोल्ट की धारा। और ये धारा कैसी है, ठंडे जल की धारा है। ठंडे जल की धारा होगी तो यहां पर तापमान निश्चित रूप से क्या होगा, कम, और कम वायुदाब होगा, सॉरी कम तापमान होगा तो यहां पर वायुदाब कैसा होगा, और वायुदाब यहां पर उच्च होगा, यानी एचपी का यह क्षेत्र बनेगा, तो यहां से निश्चित रूप से पवने क्या करेंगी, गमन करेंगी, कभी भी पवने यहां पर नहीं आएंगी। जब पवने नहीं आएंगी तो यहां इस क्षेत्र में क्या नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी, तो नदियों का जन्म नहीं होगा, नदियों का जन्म नहीं होगा तो जलोढ़ मृदा का विकास नहीं होगा, कृषि का विकास नहीं होगा, इस क्षेत्र में मानव नहीं बसेगा, और धीरे धीरे यहाँ की दशाएं शुष्क होकर मरुस्थल में बदल जाती हैं, क्योंकि इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, मौसम रहित घटना के नाम से जानते हैं, मौसम में कोई बदलाव नहीं होता। तो बात समझ में आई कि कैसे प्रभावित होता है ये। दूसरी चीज हमारे पास में दूसरा होता है निम्न वायुदाब दोस्तों। तो एक होता है हमारे पास में लो प्रेशर, देखिए जब हम निम्न वायुदाब को या लो प्रेशर को देखते हैं या इसको समझते हैं, तो अब की बार यहां पर है आप लोगों के केंद्र, ठीक है, और यहां पर है आप लोगों के ये परिधि, ठीक है जी। यहां जब हम केंद्र से चल रहे हैं परिधि की ओर, तो देखो दोस्तों यहां पर हमने देखा क्या कि परिधि की ओर जब देखेंगे तो यहां पर आपके ये 1040 मिलीबार, इस प्रकार से हम देखेंगे तो ये आप लोगों के 1036 मिलीबार, इस प्रकार से हम देखेंगे तो ये आपके 1032, इस प्रकार हम देखेंगे तो ये आपके, और यहां मान लो 1024 मिलीबार, यानी केंद्र में क्या है। तो आप बताओ केंद्र से अगर देखें हम, तो यहां केंद्र के ऊपर देखेंगे तो ये जो समदाब रेखाएं ये कैसे ऐसे तो हैं, यानी खुली हुई है। यहां पर देखो केंद्र की ओर थी, मुख था इनका, लेकिन अब की बार देखो ध्यान से अगर समझ में आ रहा है तो केंद्र के विपरीत है, क्योंकि केंद्र बदल गया है। यहां पर केंद्र की ओर थी, इस प्रकार से थी, लेकिन यहां पर देखो केंद्र से ऐसे है, यानी कि समदाब रेखाएं कैसी इसमें खुली हुई है, वहां पर कैसी थी, बंद थी। तो यहां पर खुली हुई समदाब रेखाएं होती। अब आप बताओ यहां पर केंद्र में क्या बना हुआ है, लो प्रेशर, परिधि पर क्या बना हुआ है, हाई प्रेशर बना हुआ है, एचपी बना हुआ है। और हम तो जानते हैं कि पवने तो हमेशा हाई प्रेशर से, तो आप बताओ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवने चलेंगी तो ये किधर से चलेंगी, अब परिधि से, और परिधि से जब केंद्र की ओर पवने चलेंगी, ठीक है, तो परिधि से केंद्र की ओर पवने हमेशा चलती हैं चक्रवात में, किस में चलती हैं, चक्रवात में। तो निम्न वायुदाब के क्षेत्र होते हैं हमेशा क्या, चक्रवात होते हैं, और इनको प्रदर्शन किया जाता है एल से, या इनको लिखा जाता है लो, ठीक है। यहां पर समदाब रेखाएं कैसी होती हैं, खुली हुई होती हैं, समदाब रेखाएं कैसी होती हैं, और ये हमेशा एक तरीके से गड्ढा होता है, क्योंकि इस प्रकार से नीचे आता है, तो इसको कहा जाता है निम्न वायु दाब का गर्त, इसको वेज नहीं कह सकते आप लोग, इसको क्या कहेंगे हम, गर्त, और इसको हमने क्या कहा था, वेज कहा था।
निम्न में से चक्रवात को कौन सा वायुदाब बताता है? निम्न वायुदाब, चक्रवात को कौन सा और प्रति चक्रवात को कौन सा, क्योंकि चक्रवात में पौने हमेशा परिधि से और आपके प्रति चक्रवात में पौने हमेशा केंद्र से परिधि की ओर चलती है। जब ये लो प्रेशर की ओर चलती हैं तो लो प्रेशर केंद्र में है तो ये गोल गोल घूमना प्रारंभ कर देती हैं और उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुई के अनुरूप चलते हैं, किसमें पौने चक्रवात में। वहीं प्रति चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुई के समान और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुई के विपरीत पौने चलती हैं और यहाँ केंद्र से परिधि की ओर और यहाँ पर आपके परिधि से केंद्र की ओर चलती हैं। तो ये दो प्रकार का आपके क्या होता है, वायुदाब का टाइप होता है जो आपके काम आएगा। दोनों बना लो एक बार, फिर इसकी व्याख्या लिखवा देंगे। और इस चक्रवात को विक्षोभ भी कहते हैं। आप नहीं कहते भूमध्य सागरीय चक्रवात या पश्चिमी विक्षोभ, विक्षोभ चक्रवात को ही कहते हैं। जरूरी नहीं है कि 1040 ही लिखो, 1036 से लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल, एक एक अक्षर देख देख के ऐसे नकल मारने में लगे हुए सब, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल है, 1040 का ले लिया अपन ने।
अभी तो आपका बेस ही बना रहे हैं, ठीक है, इसमें टॉपिक में अभी तो समझने का भी कुछ आया भी नहीं इतना। जब तक बेस क्लियर हो जाएगा फिर आसानी से अपने आप समझ में आने लग जाएंगी चीजें, ठीक है। तो फौजी साहब छुट्टी मत किया करो, कल भी गायब थे, घर जाके आए हो क्या? 1 महीने हो गए। कब जा रहे हो फिर, कब जाओगे घर? और तो कहाँ जाओगे, अब नहीं जाओगे? कितने महीने तक? आपके सबके सामने कह रहे हैं फौजी साहब कि मैं अब नहीं जाऊंगा जब तक एग्जाम नहीं हो रहा है। अरे चले जाएं, बिगाड़ आए क्यों? फौज साहब क्या है कि इनके गांव में किसकी रोटी बनाते हैं आपके हैं? इनके गांव में गोबर की रोटी बनाते हैं। आपने गलत, आप बदलो तो बदलो, आपने ये कहा था गोबर की रोटी बनाते हैं सर हमारे। हो गया, लिखवा दूं? लिखे हेडिंग, लिखे हेडिंग तो लिखी ली होगी सबने, आपने ऊपर जैसे बनाया था वैसे के वैसे लिख लिया होगा, ठीक है। तो वायुदाब के प्रकार, और इसमें लिख लो वायुदाब के प्रकार में, वायुदाब 2 प्रकार का होता है। वायुदाब 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 उच्च वायुदाब, नंबर 1 उच्च वायुदाब, इसमें लिखेगा उच्च वायुदाब को, उच्च वायुदाब को एच या प्रति चक्रवात के रूप में, उच्च वायुदाब को एच या प्रति चक्रवात के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अब मान लो आपको एग्जामिनर ने कहा कि किसी स्थान पर प्रति चक्रवातीय घटना विद्यमान है, तो इसका मतलब वो साफ साफ क्या कह रहा है कि वहां पर क्या बना हुआ है? उच्च वायुदाब। शब्द बदल गए, ठीक है। अगली लाइन लिखिएगा, उच्च वायुदाब में, उच्च वायुदाब में केंद्र में अधिक वायुदाब, केंद्र में अधिक वायुदाब, केंद्र में अधिक वायुदाब तथा परिधि पर निम्न वायुदाब होता है, तथा परिधि पर निम्न वायुदाब होता है, अतः अतः पौने पौने केंद्र से परिधि की ओर, केंद्र से परिधि की ओर चलती हैं, अतः पौने केंद्र से परिधि की ओर चलती हैं। अगली लाइन लिखिएगा, उच्च वायु दाब के, उच्च वायु दाब के केंद्र में, केंद्र में मौसम संबंधी, मौसम संबंधी घटनाएं अत्यंत कम होती हैं, अत्यंत कम होती हैं, यही कारण है, यही कारण है कि उच्च वायुदाब के केंद्र को, उच्च वायुदाब के केंद्र को मौसम रहित घटना कहा जाता है, उच्च वायुदाब के केंद्र को
मौसम रहित घटना कहा जाता है। इस लाइन को वापस से पढ़िए, क्या इसमें कोई प्रश्न नजर आ रहा है क्या आपको? समझ में आया क्या कि ये प्रश्न है कि कथन और कारण का। कथन दिया उसने कि आपके कथन लिखा हुआ है, तो कथन क्या लिखा आपने? उच्च वायुदाब के केंद्र में मौसम रहित घटनाएं अत्यंत कम होती हैं, और इसका कारण क्या है? तो इसके कारण से आपके मौसम रहित घटना भी कहते हैं। तो इसमें उल्टा आपने प्रश्न बनेगा, जो उल्टा बनेगा वो कैसे कि उच्च वायुदाब के केंद्र को मौसम रहित घटना कहते हैं, ठीक है, और इसका कारण आया कि इसके केंद्र में पवनों के आगमन के अभाव में यहाँ मौसम संबंधी हलचले कम होती हैं। तो बन गया कथन और कारण का प्रश्न। ये प्रश्न आमतौर पर आपसे ग्रेड सेकंड आरएस के पेपर में पूछे जाते हैं। अगली लाइन लिखेगा, उच्च वायुदाब के कटक को ही उच्च वायुदाब के कटक को ही वेज कहा जाता है। वेज कहा जाता है, ठीक है। ये लाइन थोड़ा ना लिखिए, समदाब रेखाएं बंद रहती हैं। लिखेगा, उच्च वायुदाब में, उच्च वायुदाब में समदाब रेखाएं, समदाब समान वायुदाब को मिलाने वाली रेखाएं आइसोबार, समदाब रेखाएं बंद रहती हैं। समदाब रेखाएं बंद रहती हैं। नंबर दो पर लिखे, निम्न वायुदाब, निम्न वायुदाब को, निम्न वायुदाब को चक्रवात, चक्रवात एल एल ओब्लिक लगा के लगना, एल ओब्लिक लो ओब्लिक विक्षोभ, विक्षोभ के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अगली लाइन लिखेगा, निम्न वायुदाब के, निम्न वायुदाब के केंद्र में, केंद्र में कम वायुदाब, कम वायुदाब तथा तथा परिधि पर, परिधि पर अधिक वायुदाब होता है, परिधि पर अधिक वायुदाब होता है, यही कारण है कि निम्न वायुदाब के क्षेत्रों में, निम्न वायुदाब के क्षेत्रों में पवने परिधि से केंद्र की ओर, पवने परिधि से केंद्र की ओर चलती हैं, पवने परिधि से केंद्र की ओर चलती हैं। ठीक है, फिर से कथन कारण का प्रश्न बन गया। इसमें प्रश्न बना कि कथन दिया कि निम्न वायुदाब में पवने परिधि से केंद्र की ओर चलती हैं, और कारण दिया कि निम्न वायुदाब के क्षेत्र के केंद्र में हमेशा वायुदाब कम जबकि परिधि पर वायुदाब अधिक रहता है। तो ये कथन और क्या हो गया, इसका कारण हो गया। अगली लाइन लिखेगा, निम्न वायुदाब के क्षेत्र को,
निम्न वायु दाब के क्षेत्र को निम्न वायु दाब का गर्त निम्न वायु दाब का गर्त तथा निम्न वायु दाब का गर्त तथा इसे ही मानसूनी प्रदेश में मानसून का गर्त कहा जाता है। मानसून का गर्त कहा जाता है। तो देखो, आप लोग पढ़ते हैं भारत के संदर्भ में कि राजस्थान से लेकर गुजरात के मध्य, देखिए राजस्थान से लेकर जब हम गुजरात के बीच की बात करते हैं दोस्तों, तो ये राजस्थान से लेकर और गुजरात के बीच ओडिशा तक ये वाला क्षेत्र बनता है, गर्मियों में हमारे निम्न वायु दाब का क्षेत्र होता है। और ये जो निम्न वायु दाब का क्षेत्र होता है, इसको हम कहते हैं मानसून का गर्त। क्या कहते हैं? मानसून का गर्त कहते हैं। होता क्या है वास्तविकता में? यहां पर निम्न वायु दाब होता है, और हमने यही कहा है कि ये क्या बनता है यहां पर, निम्न वायु दाब का गर्त, और इसे मानसूनी प्रदेशों में क्या कहा जाता है? तो मानसून का गर्त है, अगर आपसे ये पूछ ले तो उसका मतलब क्या है कि सीधा सीधा वो पूछना चाह रहा है आपसे, निम्न वायु दाब का क्षेत्र पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो ये हो गए वायु दाब के प्रकार साहब। कोई दिक्कत इसमें? थोड़ा अच्छा, ये लिख लो। निम्न वायुदाब में समदाब रेखाएं खुली होती हैं। समदाब की बात कर रहे हैं साहब। समताप तो समान तापमान वाले स्थान को और समदाब समान वायुदाब को मिलाने वाली, तो हम बात किसकी कर रहे हैं?